आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि राधेश्याम है, उसने अपनी डेयरी के लिए एक गाय और एक भैंस खरीदी, ठीक है, और कुछ कारणवश उसने उनमें बेचने के लिए किसे गाय और भैंस को बेचने के लिए सोचा, और यदि वह गाय को 10% हानि तथा भैंस को 20% लाभ पर बेचता है तो उसे न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी, ठीक है, और यदि गाय को 5% लाभ पर और भैंस को 15% हानि पर बेचता है तो उसे इस सौदे में 800 रुपये की हानि होती है। तो राधेश्याम ने भैंस के लिए कितने रुपए दिए, ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन एक जो आपको दिया वो 8,000, ऑप्शन दो 32,000, ऑप्शन तीन 4,000 और ऑप्शन चार जो है वो 16,000 आपको दिया गया है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिले आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्रय मूल्य मानेंगे, क्योंकि लाभ और हानि है वो हमेशा किस पे, क्रय मूल्य पे डिपेंड करेंगे। तो मानना राधेश्याम ने गाय खरीदी, मतलब गाय का क्रय मूल्य हो गया कितने में, अपन ने मान लिया गाय है तो सी से मान लिया इसको, ठीक है, एक्स वाई भी मान सकते हैं, और भैंस खरीदी उसने बी मान सकते हैं इसको, बफेलो से बी भैंस, ठीक है, और उसको ना हानि हो रहा है ना लाभ हो रहा है, ठीक है। तो पहले मैं गाय का जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करूं, क्योंकि हानि लाभ कब पता चलेगा, जब गाय बेची जाएगी। तो गाय का विक्रय मूल्य तो वो क्या कह रहा है, गाय को 10% हानि पे बेचा जाता है, तो मैं यहाँ क्रय मूल्य कितना था गाय का, सी, मैं हानि में हमेशा माइनस होता है तो सी गुणा 10/100, यहाँ लाभ होता तो प्लस करते, हानि है तो माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा, सी माइनस 10 से 10 कैंसिल, सी बटे 10, तो 10 सी माइनस सी बटे 10 बराबर क्या आ गया, 9/10 सी, या इसको मैं लिख सकता हूँ 0.9 सी, ठीक है। इसी प्रकार मैं सरल करना चाहूँ, अगर मैं भैंस का जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करूं तो यहां लिखूंगा मैं भैंस का विक्रय मूल्य, तो भैंस का विक्रय मूल्य कितना होगा, भैंस भी अब क्या है वो, उस पे जो भैंस पे है वो 20% का लाभ होता है उसको ना, 20% लाभ पे बेचता है, तो बी लाभ का प्लस बी बी इंटू 20/100, 20 से कम 20, 20 5, 100, तो बराबर 5 लघुतम आ गया, तो 5b प्लस क्या आ गया, बी तो 6b/5 और 1.2b आ गया, सरल किया तो, ठीक है, ये चीज आ गई। अब क्या है कि जब वो इसको गाय को जो है 10% हानि पे बेचता है तो विक्रय मूल्य ये हो गया, प्लस जब उसको भैंस को 20% लाभ पे बेचता है तो उसको ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य की मतलब हानि और लाभ का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जोड़ सी प्लस बी, तो क्या हुआ क्रय मूल्य, और कोई हानि लाभ नहीं हो रहा मतलब इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा, इस क्रय मूल्य के बराबर होगा, तो क्रय मूल्य क्या है, सी प्लस बी, सरल किया इसको तो क्या आया मेरे पास, सी को मैं उधर लेके गया तो सी माइनस 0.9 सी बराबर कितना हुआ, यहां पे देखा 1.2b-b, तो 0.1c बराबर 0.2 क्या आ गया, बी, और 0.1c बराबर 0.2b जब आया तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो सी बराबर क्या बचा, 2b, पहला मेरे पास सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू मेरे पास आ गई जो है सी बराबर 2b, ठीक है। अब मैं आगे से दूसरा उसका स्टेप देखते हैं, जब वो हानि लाभ चेंज करता है तो वो क्या करता है, अब वो क्या है, गाय को बेचता है जो 5% लाभ पे, तो सी का 5/100 प्लस जो भैंस को वो बेचता है 15% हानि पे, बी माइनस बी का 15/100 बराबर क्या होता है उसको, 800 रुपये की हानि होती है, 800 रुपये की क्या होती है, हानि होती है, तो पहले क्रय मूल्य क्या था, सी प्लस बी, तो हानि क्या होती है, जब क्रय मूल्य से भी अपने को कम पैसा मिलता हो,
तो क्रह मूल्य कितना था सी प्लस बी, तो हानि कितनी 800 की, तो सी माइनस बी माइनस क्या हो जाएगा 800। तो ये जो ये लाभ गाय पे और ये भैंस पे जो हानि है वो किसके बराबर हो जाएगी, सी प्लस बी माइनस 800 के, होगी बराबर। आगे सरल करो इनको, तो ये क्या हो गया पांच सी प्लस 5/100, तो ये हो गया 8.05 सी। अब बी माइनस बी इंटू 15/100 ये कितना हो जाएगा 0.85 बी, बराबर किसके हो जाएगा सी प्लस बी माइनस 800। ठीक है, अब सी की वैल्यू कितनी है यहाँ 2b, तो वैल्यू रखते जाओ 8.05 इंटू सी की जगह क्या आ गया 2b प्लस 0.85 बी का b पड़ा रहेगा, सी की जगह क्या रख दिया मैंने 2b प्लस बी माइनस 800। ठीक है, आगे सरल करें अगर इनको, तो ये कितना आ गया 2.10b प्लस 0.85b बराबर 3b माइनस 800। ठीक है, अब सरल करो इनको, इस पूरी संख्या को उधर ले जाऊंगा तो 3b माइनस 2.10 में 0.85 जोड़ा दो 2.95b बराबर 800, और सरल किया इसको अगर आगे तो ये कितना बचा 0.05b बराबर 800, तो b बराबर 800/0.5b और 0.505 पॉइंट हटाया तो 20 ऊपर आ गई, 5 × 5 20 × 5 = 100, 20 को 800 से गुणा किया तो क्या आ गया 16,000 रुपये। तो b क्या है, एक भैंस का क्रय मूल्य है, b क्या है यहाँ भैंस का क्रय मूल्य, ऊपर अपन ने माना हुआ है, तो भैंस का क्रय मूल्य अपने से पूछा गया तो ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन देखते हैं ऊपर कौन सा ऑप्शन उसमें से सही है वो देखते हैं। तो उसने पूछा भैंस के लिए कितने रुपए दिए, भैंस को अपन ने क्या माना क्रय मूल्य बी, तो बी कितना आ गया मेरे पास 16,000। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 4 जो है वो एकदम सही उत्तर रहने वाला है। थैंक यू दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।